नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी। उम्मीद है आप त्योहार पर खरीदारी करने जा रहे हो, यह भी उम्मीद है कि आपका कोई व्यापार होगा, यह भी उम्मीद है कि इस त्योहार पर आप बहुत सेलिब्रेशंस करने वाले होंगे। रुक जाइए और मेरी एक बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि यदि यह बात आपने समझ ली तो आज के जैसी समाज सेवा, आज के जैसी देश सेवा दूसरी बार करने का मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, एक युवा हॉस्टल से अपने दादाजी के पास पहुंचा छुट्टियां बिताने के लिए। वो 5-7 दिन अपने दादाजी के पास रहा। देखा दादाजी रोज निकलते हैं, जाते हैं किसी बैंक में, बैंक वाले से थोड़ी देर गपी आते हैं, पैसे निकाल के लाते हैं, पैसे जमा करते हैं, पोस्ट ऑफिस जाते हैं, वो कपड़े की दुकान पर जाते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, सब्जी की दुकान पर जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, वो सारी दुकानों पर जाते हैं। वो छोटे रिक्शे वालों को, छोटे ऑटो वालों को उनके साथ बैठ के बतियाते हैं और दिन भर उनका यही सब काम रहता है, एंगेज रहते हैं। एक दिन अपने दादाजी से कहता है, क्या दादाजी, आप दवा लेने जाते हो, आप कपड़े लेने जाते हो, आप बेकरी का सामान लेने जाते हो, आप सब्जी लेने जाते हो, सब कुछ ऑनलाइन आ सकता है। एक मिनट में ऐसे क्लिक करो दादाजी, ऑनलाइन आ सकता है, सब में डिस्काउंट भी मिलता है, बहुत फायदा है। बेवकूफी है दादाजी, इस जमाने में कौन जाता है बाहर। दादाजी कुछ नहीं कहते। दादाजी कहते हैं, ठीक है बेटा, तुम्हारे और हमारे में फर्क है। और 3-4 दिन बाद अचानक घर पे एक फोन आता है, दादी जी का एक्सीडेंट हो गया, तुरंत हॉस्पिटल पहुंचिए। और हॉस्पिटल पहुंचते तो देखते हैं दादी जी को लोगों ने भर्ती करा दिया है, लोगों ने पेमेंट कर दिया है, दादी जी का प्राइमरी ट्रीटमेंट हो चुका है, दादी जी अब ठीक है। जब चारों ओर नजर दौड़ाते हैं तो क्या देखते हैं, वो सब्जी वाला जिससे रोज सब्जी खरीदते वो भी वहीं बैठा है, जहां से कपड़े लाते वो भी वहीं बैठा है, उसी रोड पर जो मेडिकल शॉप है जहां से दवाई लेते हैं वो भी वहीं बैठा है। दादाजी उनसे पूछते क्या हुआ, बोले अम्मा मंदिर से आ रही थी और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, हम लोगों ने सोचा आपको बाद में खबर करते रहेंगे, पहले इनको हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। दादाजी अपने पोते से कहते हैं, बेटा ये वही सब्जी वाला है जिससे मैं रोज सब्जी खरीदता हूँ, ये मुझे पहचानता है, तुम्हारी दादी को पहचानता है, ये वही दवा दुकान वाला है, ये वही कपड़े वाला है। बेटा जब मैं रोज छोटी छोटी खरीदी करता हूँ, मैं रोज नए रिश्ते गढ़ता हूँ। और बेटा तुमको पता है, मैं ये जो छोटी छोटी खरीदी करता हूँ ना, इनसे इन सब के घर चलते हैं, इनकी दिवालियाँ मनती है, इनकी होली होती है, इनका नया साल होता है। आज यदि इन सब से मैं खरीदी करना छोड़ दूँ तो क्या ऑनलाइन मेरा चेहरा पहचानेगा? क्या तुम्हारी दादी का एक्सीडेंट हो जाता तो कोई ऑनलाइन वाला आके तुम्हारी दादी को अस्पताल पहुँचाता? पोते को बात समझ में आई। आज आपसे कहना चाहता हूँ, मैं मॉडर्न हूँ, मैं खुद एजुकेशन ऑनलाइन प्रमोट करता हूँ, मैं ऑनलाइन का एंटी नहीं, लेकिन आज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, वही चीजें ऑनलाइन लीजिए जो आपके शहर में नहीं मिलती, वही चीजें ऑनलाइन लीजिए जिनकी कीमत आपके शहर में बहुत ज्यादा है, बाकी अपने शहर में अपने लोगों से खरीदी कीजिए। ये लाखों करोड़ों अरबों रुपए वो कॉरपोरेट के पास चले जाएंगे, फिर वो देश से बाहर निकल जाएंगे, उनकी लग्जरीज में और क्रूर संपत्ति में और कुछ ऐड हो जाएगा, लेकिन ये छोटे छोटे लोग भूखे मर जाएंगे। असली देश सेवा तब भर नहीं होती जब सीमा पर जंग लड़ते हैं, असली देश सेवा तब भी होती है जब आपकी वजह से कोई देशवासी समृद्ध होता है। आज आपसे कहना चाहता हूँ, ये दिवाली लोकल दिवाली मनाई है, ये दिवाली हर उस व्यक्ति से खरीद कीजिए जो आपके आसपास है, जो पिछले 2 साल से कोरोना से परेशान है, जिसके घर में दिक्कतों का पहाड़ टूटा हुआ है, और तब ये असली देश सेवा होगी। आप सबको एडवांस में हैप्पी दिवाली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1 हफ्ते दिवाली को आने में बाकी है, और विश्वास कीजिए इस अंतिम हफ्ते में हर खरीदी करते वक्त ये सोचना, मेरी वजह से किसी का घर चलेगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।